हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हमें डेटा को रिसीव करना है फंक्शन के अंदर एंड अपडेट करवाना है। तो इसको करने से पहले हम लॉगआउट का कोड भी लिख देते हैं। तो एक नया यूआरएल पैटर्न दे देते हैं और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लॉगआउट। फंक्शन का जो नाम मैं दूंगा उसका एल मैंने कैसा रखा है, कैपिटल रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, फंक्शन का एल मैंने कैपिटल दिया है। और एल मैंने कैपिटल इसीलिए दिया है क्योंकि लॉगआउट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी हम यूज़ करेंगे, तो दोनों का नाम एक जैसा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको एल को कैपिटल कर दिया। ओके, अब आते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। इस फंक्शन को हम कंप्लीट करेंगे बट उससे पहले हम एक लॉगआउट का फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन लॉगआउट और इसके अंदर पास कर दिया रिक्वेस्ट और लॉगआउट को कर दिया कॉल। देन आफ्टर रिटर्न रीडायरेक्ट एंड यहाँ बता दिया हमने लॉगआउट करने पर इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, ये आ जाएगा हमारा सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ रीडायरेक्ट पे हमें रेड लाइन मिल रही है तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं रेंडर के बाद रीडायरेक्ट। ओके, तो लॉगआउट फंक्शन कॉल होगा एंड इसके अंदर हमने एक प्री डिफाइंड लॉगआउट फंक्शन को कॉल किया। ये क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यूज़र के लॉगिन करने पर जो सेशन क्रिएट हुआ था लॉगिन फंक्शन से, तो उस सेशन को एंड उस सेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी सेशन वेरिएबल्स हैं, उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, एंड सेशन वेरिएबल डिस्ट्रॉय होने के बाद हम इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ई एम पी अंडर स्कोर बेस के अंदर आके हमें इसका लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा यू आर एल एंड यू आर एल का नाम था लॉग आउट। ओके, तो ये हमें इंडेक्स पेज पे ले आया। अब हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि मुझे कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी ताकि कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय होम पे रिडायरेक्ट ना हो पाए। जैसे अभी अगर मैं देखूँ तो ई एम पी अंडर स्कोर होम लिख के मैंने एंटर किया तो ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है विथाउट लॉगिन। अभी हमने लॉगिन भी नहीं किया और ये ओपन हो गया, तो हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट ही ओपन हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी एक कंडीशन। हमें चेक करना पड़ेगा कि सेशन के अंदर डेटा है या नहीं है, है ना। या फिर हम इसको अलग अलग तरीके होते हैं, मैं इसको इज़ अंडर स्कोर ऑथेंटिकेटेड फंक्शन का यूज़ करते हुए चेक कर लूँगा। तो मैंने लिखा इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडर स्कोर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, मैंने एक इफ कंडीशन लगा दी, इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट, मतलब जिसने इस पेज पे आने की रिक्वेस्ट की है तो अगर वो यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो हम रिटर्न करवा देंगे कहाँ पे, एम्प्लॉई के लॉगिन पेज पे। रिटर्न रीडायरेक्ट एम्प्लॉई के लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हम करवा देते हैं, ठीक है। या तो आप इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करवा दो या वापस लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा दो। तो अब शायद ये वर्क कर सकता है, नहीं करेगा तो हम कुछ दूसरा सोचेंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉई का लॉगिन पेज आ गया।
तो अगर मैं डायरेक्ट अब इस पेज पे जाता हूँ एम्प्लॉई के होम पेज पे, तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है, पहले हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। हमने ईएमपी अंडरस्कोर होम लिखा था, बट ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है ईएमपी अंडरस्कोर लॉगिन पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दिया है। तो यही सिमिलर कंसेप्ट हम सारे ऑथेंटिकेटेड वाले पेज पे लगा देंगे, मतलब प्रोफाइल पेज जो कि लॉगिन के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्रोफाइल पेज में भी हमने इसको लगा दिया। ओके, अब हम बाकी का प्रोफाइल पेज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डेटा लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉई कोड, उसके अलावा जो जो फील्ड्स थी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉई कोड के बाद हमारे पास था डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट के बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट। ईमेल आईडी तो हमें अपडेट नहीं करवाना है, मुझे कॉन्टैक्ट को अपडेट करवाना है। कॉन्टैक्ट का नाम भी कॉन्टैक्ट दिया है, एंड उसके बाद ज्वाइनिंग डेट। तो दो फील्ड, हमें दो इनपुट फील्ड से डेटा और लेना पड़ेगा, एक है हमारा कॉन्टैक्ट और लास्ट है ज्वाइनिंग डेट। तो ये सारा डेटा लेके हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स के नाम आपको देने हो आप दे सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट का डेटा मैं स्टोर कर लेता हूँ DEPT नाम के वेरिएबल में, या आप कुछ और वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो जो नाम आपने दिया होगा उसी नाम से आप यूज़ करेंगे। इसका डेजिग्नेशन का मैंने, जैसे पूरा नाम देना हो तो पूरा नाम दे दें, या शॉर्ट फॉर्म में देना हो तो शॉर्ट फॉर्म में दे दें। कॉन्टैक्ट लास्ट है ज्वाइनिंग डेट। ओके, जेंडर भी हमें इनपुट करवाना था, ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, जेंडर का डेटा भी हमें लेना था। ठीक है, तो एक बार फिर से लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, एंड इस बार डेटा आएगा जेंडर नाम की फील्ड से। ठीक है, जेंडर के लिए हमने क्या बनाया था, सेलेक्ट टेक का यूज़ किया है, ताकि वो एक ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आ जाए, या तो फिर आप रेडियो बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का आपको ध्यान देना है, इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आप देखो ये कलर इस तरीके से इसका चेंज हो गया। ओके, तो ये सारा डेटा हमने गेट कर लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉई कोड, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट, ज्वाइनिंग डेट, जेंडर। ठीक है, अब ये सारा डेटा हम एक एक करके फिल करेंगे। ठीक है, इस बार हमें डेटा मतलब सेव नहीं करवाना है, सेव तो करवाना है बट फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहा है, डेटा ऑलरेडी है उसी को हमें अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखा एम्प्लॉई डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब साइन अप करते जब समय जो नाम दिया था वो इसमें रखा हुआ है इस फील्ड के अंदर, बट अब अगर यूज़र ने नाम को अपडेट कर दिया, नाम में कुछ स्पेलिंग वगैरह करेक्शन करके उसने अपडेट किया, तो वो FN नाम के वेरिएबल में आ गया और उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया इस फील्ड के अंदर। ठीक है, और अगर ओल्ड जो नेम है वही है तो वही नाम आ जाएगा। तो जो भी अपडेटेड नाम होगा, या तो ओल्ड वाला या तो नया वाला, वो अब इस फील्ड में आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम,
एंड लास्ट नेम के बाद एम्प्लॉय का कोड। अब एम्प्लॉय का जो कोड था वो यूज़र मॉडल के अंदर नहीं है, वो डायरेक्ट हमने एम्प्लॉय मॉडल के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ से यूज़र को मैं हटा दूँगा एंड डायरेक्ट मैं लिखूँगा ईएमपी कोड। ये आपको ध्यान देना है कि जो फील्ड आपने बनाई थी मॉडल के अंदर, जैसा स्पेलिंग यहाँ लिखा है वैसा ही स्पेलिंग आपको यूज़ करना है। एम्प्लॉई कोड के बाद एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड उसके बाद था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर। कोड, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर। अब जो डेट फील्ड है उससे डेटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक इधर आ जाएगी, क्योंकि जो डेट फील्ड होता है उसमें एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में हमें डेटा रिसीव करना है। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा दो, जैसे अगर मैं डेट फील्ड को मतलब कोई डेट सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने डेट को सेलेक्ट नहीं किया एंड सबमिट कर दिया तो नन असाइन होगा, एंड नन जब जाएगा उसके अंदर तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो टाइप हमने दिया है वो डेट फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ जे डेट। ठीक है, जे डेट हमारे इस वेरिएबल का नाम था, तो इसके अंदर डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, इसके अंदर डेटा रिसीव हुआ है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, अगर इसमें वैल्यू नन नहीं है मतलब हमने डेटा दिया है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तभी हमें अपडेट करवाना है, अदरवाइज जो ओल्ड वैल्यू है वही रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इमेज के लिए भी आप करोगे, अभी तो इमेज नहीं है, जब भी आप इमेज या डेट फील्ड से डेटा लो तो एक ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो, पहले आप चेक कर सकते हो कि उसमें अगर डेटा है तो हम अपडेट करवाएंगे, अदरवाइज हम नहीं करवाएंगे, जो पहले डेटा है वही रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ये सब हटा देता हूँ, सब डेटा तो हमने असाइन कर दिया फील्ड्स के अंदर, बट ये सेव तभी होगा, अपडेट तभी होगा जब हम डेटा को सेव करवाएंगे, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट सेव। अब एम्प्लॉय डॉट सेव लिखने से एम्प्लॉय मॉडल के अंदर जो डेटा है वो तो अपडेट हो जाएगा, जो एम्प्लॉय मॉडल वाली फील्ड्स हैं वो तो अपडेट हो जाएंगी, बट जो फॉरेन की हमने लिया था मतलब जो यूज़र मॉडल था उसकी फील्ड्स अपडेट नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए हमने हमें लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट यूज़र डॉट सेव। ठीक है, और यहाँ पे एरर का वैल्यू नो कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया, और यहाँ पे प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। अब प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल पर जाके यहाँ पे हम एक इफ़ एल्स की कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ मैं मैसेज दे देता हूँ प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, वो रिडायरेक्ट सक्सेसफुल या सक्सेसफुली कर देते हैं, और रीडायरेक्ट करवा देंगे, इसी पेज पे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं ताकि जो अपडेटेड वाला डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए हमें, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, नाम था, नाम मैंने अपना दिया था, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया,
प्रोफाइल में जाते हैं, अब कुछ अपडेट करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ सब पे तो नन आ रहा है। अब इसमें अगर मैं कोई डिपार्टमेंट दे देता हूँ, मैंने लिखा CS या कंप्यूटर, डेजिग्नेशन में मैंने कर दिया ट्रेनर। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप देख रहे हो यहाँ पे गड़बड़ आ गया है। एक 105 क्यों आ गया, क्योंकि ये एम्प्लॉई कोड असाइन हो गया इसमें। ठीक है, अब ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने views.py में यहाँ पे सब कॉपी कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, अपडेट तो किया नहीं था। सभी में हमने एम्प्लॉई कोड असाइन कर दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। employee.employeeDepartment, ये हमें मिलेगा डिपार्टमेंट वेरिएबल से, और ये मिलेगा डेजिग्नेशन वेरिएबल से, उसके बाद ये मिलेगा कॉन्टेक्ट वाले वेरिएबल से, देन आफ्टर जेंडर मिलेगा जेंडर वेरिएबल से। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स थे वो नाम हमें देने हैं, ज्वाइनिंग डेट जे डेट। ठीक है, तो इसको फिर से अपडेट करता हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस, यहाँ मैंने कर दिया ट्रेनर एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी अब मुझे देना पड़ेगा, 9229। ठीक है, ईमेल आईडी, ज्वाइनिंग डेट अभी नन है, जेंडर में भी 105 आ गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो सब कुछ अपडेट हो चुका है। ज्वाइनिंग डेट में कोई डेट नहीं है क्योंकि हमने प्रोवाइड नहीं की थी। अब मैं कोई डेट प्रोवाइड कर देता हूँ कि कब हमने ज्वाइन किया था कंपनी को। तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो जो भी डेट मैंने सेलेक्ट की वो यहाँ पे आ गई। अब अगर कोई नया डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो चले जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डेटा तो अपडेट हो रहा है, तो प्रोफाइल का वर्क भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, कुछ पहले तो मॉडल्स बनाने पड़ेंगे एक्सपीरियंस का डेटा स्टोर करने के लिए एंड एजुकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।